अज पहला इतिहास सरवण किया। असी गुरु हरगोबिंद पातशाह के पुत्र हाँ, उन्होंने वारस हाँ, तो उन्होंने जिमें जालम हुकूमत का टाकरा किया तो सिखा यह सिखाया भी गुलामी गलों किमें लाना है। अज मैं वो बाबत कुछ गल् करनी भी गुलामी है कि गुलामी दशानियां की ने ते गुलामी लड़ना किमें। पहला तो सिंह साहब ने गल की भी साढ़े घर के तिरंगे लवाए गए, सानू एहसास कराया जाता बार बार जेडे तिरंगे की आड़ हेठ साढ़े ते जुल्म होया, साड़ियां धियां भैणां की बेपती हुई है, जेड़े तिरंगे की आड़ हेठ पंजाब वंडिया गया, जेड़े तिरंगे की आड़ हेठ साढ़े नौजवान कंधा जेडे नौजवान से कोठियां जेडे जेडे नशियां नाल मर गए ने लखां दे लख नौजवान, उहो ही तिरंगा वह कहिंदे वी तुहाडे घरां ते लवाउणा है ते गुलामां नूं कुट मार के यह भी दसना भी तुसीं अपने आप नूं गुलाम नहीं कह सकते। सो साडी कौम दे कोल अज इन्ना अधिकार नहीं भी असीं गुलाम होण दे बावजूद यह कह सकी भी असीं गुलाम हां। एक इन्हां नाल वापरदा है, ये उन्हां कौमां नाल वापरदा जिहड़ियां अवेसलियां हो जांदियां, जिहड़ियां अपने इतिहास तों मुनकर हो जांदियां ने, जिहड़ियां अपने गुरु नूं पिट विखा जांदियां, ये उन्हां कौमां नाल वापरदा। सब तों वड्डा पाप जे पंजाब दी धरती ते हुण तक होया ते वह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी का पाप है। वह कित्थे होया? इसे मुल्क दे विच होया, इन्हां हुकूमतां ने कराया जिहड़ियां कहिंदियां भी तुहानूं कोई गुलामी नहीं। इस करके नौजवानों नूं मेरी अपील है भी गुलामी कोई इदां दी चीज़ नहीं भी साढ़े को पैरां च संगल मार के बन के बिठा दूंगा भी तुहानूं हुण इत्थों हिलिया नहीं जा सकदा। तुहानूं खाण पीण ते कोई पाबंदी नहीं लाउणी उहनां ने, खाण पीण नूं ते उह कहिंदे भी जो मर्जी खे पसखाई जाओ, नशे करो, नचो गाओ, डीजे ला के भंगड़े पाओ, शराबां पीओ, कोई तुहानूं नहीं रोकदा। तुहानूं किहड़ी गल तों रोकदे ने? जिद्दण तुसीं धर्म दे राह ते चल के गुलामी दे संगल नूं तोड़न दा यतन कीता, इह पिंजरे नूं तोड़न दा यतन कीता, उदनों तुहानूं तुहाडे मुकाबले भी बणाउणगे झूठे, तुहानूं घरां चों कढ़णगे, तीआं भैणां नाल बेपती भी करनगे। कई बंदे कहिंदे भी इह डरावा पाउंदी है स्टेट भी तुसीं नौजवानां नूं भड़का रहे जो। देखो जिहड़ी हकूमत ने साढ़े 3-4 लाख नौजवान गोलियां नाल शहीद किए होण, जिहड़ी हुकूमत ने हजारां बीबियां सिख बीबियां की बेपती की होवे, जिहड़ी हुकूमत ने साढ़े तख्त ढाए होण, साढ़े संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडर वाले ब्रह्म ग्ञानी नूं शहीद किया होवे ते होरनां सिंघां नूं शहीद किया होवे, वह हुकूमत कहती भी असी नौजवानों भड़काने। असी की क्या नौजवानों, जे एक रती झूठ बोलिया है तो तुसी दस दिओ भी भाई तुसी झूठ बोलते जो स्टेजां ते खड़ के, जे सच बोलन डे हाँ, जे असी सच बोलते हैं तो सच सुन के कोई भड़क जाता साडा की दोष है? जे असी कहने भी गुलामी है तो गुलामी नूं पछाण के जे कोई नौजवान भड़कता है तो वो जिउंदे होण दी निशानी है। जिउंदे मनुख ही भड़कते हैं, जिउंदे मनुखां नूं वीरता आउंदी है, क्रोध आउंदा है, मरे हुए मनुख नूं कुछ नहीं, उन्हूं भावें ठुड्डे मरी जो इत्थे पिया होवे कोई। सो इस करके जिहड़ा भी मनुख इह कहिंदा भी तुसीं गुलामी की गल करके ते नौजवानां नूं भड़का के लोगों के पुत मराओगे, उन्हां नूं एक सवाल जरूर पुछा करो भी जिहड़ा नौजवान रोज़ 500 साडा मर जांदा नशे दे नाल, उह कित्थों भड़क के मर रहे, उन्हां नूं कौण भड़का रहा? जे कहिंदे भी पाकिस्तान तों नशा आउंदा बार्डर स्टेट का करके, तो पाकिस्तान के नाल गुजरात भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, उत्थे नहीं नौजवान मर रहे? सो ये प्लैन तरीके दे नाल बड़ी डूंगी साजिश के तहत उन्होंने पिछले 500 साल तो, कई बंदे कहणगे 47 तो, कोई कहूगा भी 84 तो, पर मैं सीधी गल करूँगा भी 500 साल जदों गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने जनेऊ पहनण तो इनकार किया उस दिन तो यह घराणा ये जिहड़ा राज कर रहा अज हिंदुस्तान से यह सिखां दा धुर विरोधी बन गया। इन्हां साडा खुरा खोज मिटाउण लई हर यतन किया, इन्हां मौके दे हुक्मराना को साडियां शिकायतां कीतियां ने, इन्हां ने जदों इन्हां दे हत्थां च तलवारां आईयां ने इन्हां साडा कतलेआम कीता। यह दसवें पातशाह दे राजे चढ़ के आउंदे रहे ने जिन्हां दी खातर ते गुरु तेग बहादुर पातशाह ने सीस भेट कीता सी। सो ये एहसान फरामोश कौम है, ये किसी तक दी मित नहीं बन सकती। सानू यह गल समझ लैनी चाहिए है, अज जिहड़ी लड़ाई साडे गल आण पई है साडे कोल बहुता समां नहीं, तुसीं इह ना सोचो भी कोई नहीं कोई उठूगा आपे लड़ लूगा, यह सारे नौजवानों का फर्ज है जिहड़े इत्थे बैठे ने, इन्हां सारिआं दा फर्ज है भी असीं इस गुलामी की पछाण करनी है ते गुलामी नूं गलों लाउणा है। पर गुलामी नूं लाउणा किवें है? सवाल यह उठता भी गुलामी की पछाण सानूं आ गई है पर इहनूं दूर किवें करना? सानूं गुलाम उन्हें इस करके बनाया सी भी साडे मूँह तों दाड़े ला सकण, सानू गुलाम इस करके बनाया भी साढ़े सिरां तों पगा ला देण, सानू घस्यारे बना देण, जिस गंदगी चों सानू सतगुरु सच्चे पातशाह ने कढ़िया वह सानू दोबारा मोड़ के उस गंदगी च वाड़न। पर असीं की करना है? ये हुकूमत कहती है भी सिखी का सरूप छड्ड देणे लोग,
असी उस रूप च वापस आना। असी आनंदपुर साहब जाके गुरु के चरणों शीस भेट करना। इस गल मैं घुमा फिरा के नहीं करना। कई कहते भी शीस भेट करना कोई तत्ती गल है, ये तत्ती गल है। जो महाराज ने कहा ना, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर धर तली गली मेरी आओ। यद अर्थ यही है कि अपना आ शीस भी ते अपनी मत भी तली दे धर के आ जाओ। आ शीस जो तली दे धर रहा, यदा मतलब तुसी भय तो मुक्त हो गए, मौत के डर तो तुहाडी मुक्ति होगी। जो मत तली दे धर रही, यदा मतलब तुहाडे च हौमे अहंकार कद नहीं आ सकता। तुसी केवल गुरु की सिक्ख्या से चलो। असी वो सिख बनना है। 25 तरीक नूं जिहड़ा साडा उत्थे रख्या होया है अमृतपान का प्रोग्राम है बड़े वड्डे पद्धर ते। महाराज कृपा करन, जिन्हें भी नौजवान ने, देखो तुसी भटकणा च जो मैं भी तुहाडे वर्गा ही हाँ, कोई साढ़े च बहुता फर्क नहीं। पर महाराज के अगे अरदास बेनती यो करनी है भी महाराज सानू बल बख्शो भी असी तुहाडे दिखाए हुए राह दे उत्ते तुसी आप फड़ के सानू तोरो। जे असी इदां ही केस वट के बैठे रहे भी कोई नहीं साढ़े ते कृपा होगी, कृपा इदा नहीं होंगी। महाराज नूं साडी लोड़ नहीं, सानू महाराज की लोड़ है। महाराज के बचन ने, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दिऊं मैं सारा, जबे गए विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। सो जदों असी भटकना है, महाराज ने सानू मोड़ना नहीं, मुड़ना सानू आप पैना है। महाराज गल लाउण नूं जरूर तैयार ने, साडियां भुल्लां नूं साडे गुनाहां नूं बख्शा के महाराज सानू गल लाउणगे। एक बेनती मैं भैणां नूं भी करनी है भी वह कही जाते भी तुम बीबिया को बेनती नहीं करते। देखो जो सिर की गल आती है ना, तो कलगीधर पातशाह ने उदों यह कहा मैं बीबिया के ज बंद सिर चाहिए, उन्होंने कहा सिर चाहिए। तख्त श्री केसगढ़ साहब खड़े होकर महाराज ने यह गल की भी सानू सिर चाहिए, किसी बीबी या बंदे का उन्होंने जिक्र नहीं किया। अज उदों पांच बंदे उठे से, पांच प्यारे बने ने। सो महाराज ने अमृत की दात बंदे ते जनानी वास्ते इको ही रखी। सानू यह चाहिए है भैणा नूं भी, जो बंदा एक अमृत छकदा तो एक प्राणी अमृत छकदा। जो कोई भैन गुरु के लड़ लग के अमृत छक लैंदी है, उहदा सारा परिवार अमृतधारी हो जाता, क्योंकि वह अपने बच्चों नूं अमृत की सिक्ख्या दो। सो इस करके सारिया ने उत्थे पहुँचना है, पहुँच के खंडे बाटे की पौल छकनी है, तो अपना सीस महाराज के चरणों च भेट करना है। तो महाराज नूं अगे अरदास भी करनी है कि महाराज ये सीस तुहाडा, ये मत तुहाडी है, इहनूं हुण तुसीं जिथे मर्जी ला दिओ। जे तुसी साडी किस्मत दे विच साडे भाणे ताडे भाणे च जे इह होया वी साडा किते नहर ते मुकाबला बन जावे, ते उह वी सानू साडे भाणे च है, असी उसनू वी भाणा मनना है। ते जे तुसी सानू किते राजगद्दी ते बिठा दो, ते उह वी साडे भाणे च। पर महाराज को एक चीज़ मंगनी है भी महाराज सानू संघर्ष करन दा बल जरूर बख्शो। ये किसी ने तुहाडी बात नहीं पुछनी। आउंदे दसां वीहां सालां तक इत्थे सिखां दे मूँह ते चपेड़ा मारिया करनगे भई आण के जिहड़े हालात पैदा हो गए ने। ते अज पै रही है लुधियाणे, अज तो 4-5 महीने पहले लुधियाने एक सिख नूं बन्ह के भइया ने कुटिया, तो सारे लोग तमाशबीन बन के वेखते रहे उत्थे। ये हालात पंजाब दे बन चुके हैं। सो असी इस धरती नूं छड्ड के जा रहे हैं। बेशक उस हुकूमत का दोष है, साढ़े नौजवानों की कोई गलती नहीं, पर जे हुकूमत तो साड़ी विरोधी है, घट्टो घट आप अपनी धरती के नाल दगा नहीं ना कमाउणी। असी यह सोचिए भी उत्थे जाके भी असी दिहाड़ियां करनियां ने, उत्थे जाके भी रोटी पानी छकना है, अखीर नूं उत्थे जाके भी बच्चे पालने, सारा काम इत्थे भी हो जाता। इन्हां दुनियावी लालचां ने सानू मुक्ति नहीं दिवाउणी। जिहड़ा बंदा इत्थे भटकणा जे जित इत्थे सबर नहीं, उहदे च उत्थे जाके भी सबर नहीं आउणा। सबर संतोख महाराज सच्चे पातशाह को मंगणा है, उहने बख्शणा है। ते जे इत्थे सबर नहीं उहने बख्शिया, तो उत्थे कितां बख्श। उत्थे ते दुनियावी चकाचौंध एड्डी प्रबल है भी उत्थे बंदा जाके सारा कुछ भुल जांदा, रिश्ते नाते मर्यादा। उत्थे बंदे दे एथिक्स मोरल सुभाव गुण औगुणा दा कुछ है ही नहीं उत्थे बोलबाला। सो इस करके 25 तरीक दा जिहड़ा प्रोग्राम है, सारी संगत नूं बेनती है जिहड़े सिंह अमृतधारी ने वह भी पहुँचण, जिन्हां ने अमृत छकना है नौजवानों ने, तो जिन्हां दे मन च कोई शंका, जे किसी मन नौजवान के कोई मन च शंका है वह मेरे नाल गल कर लवे। जिन्नी महाराज ने समर्था बख्शी है उन्ना तुहानूं उत्तर देण दी कोशिश करांगे। पर यह इंतजार ना करो, हुण बहुत समा पाणी सिर तो लंघ गया। हुण जे तुसीं तुहानूं लगता भी कोई अजे कोई वेट करन वाला तुहाडे कोल वजह हैगी है कि अजे भी कोई इंतजार करना तुसीं, ते मैनूं भी दस दिओ, मैं भी तुहाडे नाल ही बह जांदा। क्योंकि मैनू नहीं हुण लगता भी हुण साडे कोल ना ते घड़ी दा टाइम है ना पल दा टाइम है। अगले सकेंट दा सानूं पता नहीं भी असीं मर जाईए, अगली घड़ी साडे सवास निकल जाणा। ते जे इह सवास इसे तरीके नाल निकल गए ते महाराज दे लड़न आ लगे होए, इह फिर जूनां च भटकांगे, फिर उहो ही भटकणा होगी। सो इस करके जिन्हें मुक्ति महाराज ने बख्शी है
अमृत ही एक केवल ऐसी दात है जिहड़ी मनुख नूं मुक्ति बख सकदी, होर कोई दुनिया दे उत्ते कोई पीर पैगंबर कोई देवता किसी नूं मुक्त नहीं कर सकता संसार तों। इन्नियां कु बेनतियां, मैं 29 तरीक का भी प्रोग्राम है अपना, वह प्रोग्राम पिंड रोडे संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा भिंडरां वालिआं दे पिंड है, उत्थे जथेबंदी की वरेगंढ है, समूह संगतां ने उत्थे भी पहुँचना है, क्योंकि असीं खंडे बाटे की पौल छक के किहदे वर्गे सिख बनना, असीं जिहदे वर्गे सिख बनना उहदे नगर जा के दसना। असी खंडे बाटे की पौल छकनी तख्त श्री केसगढ़ साहब तो, सिख बनना है संत ज्ञानी जरनैल सिंह भिंडरां वालिआं वर्गे, साडी रहत उन्हां वर्गी होनी चाहीदी, साढ़े मन दे विच गुरु प्रति प्रेम उन्हां वर्गा होना चाहिए। जे असी उन्हां वर्गा एक खिण मात्र भी प्रेम अपने मन च गुरु प्रति भर लिया, तो एक गल चेता रख लियो, तुसीं इत्थे लिख लो किसे कागज़ दे उत्ते, दुनिया की कोई कौम दुनिया की कोई हुकूमत सानू गुलाम नहीं कर सकती। इन्नियां कु बेनतियां नाल खिमा दा जाचकां जी, गज के फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।